गाइस आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसे कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको इस तरह के फनी वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको वीडियो शूट कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले मैं वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ आपको वीडियो को किस प्रकार शूट करना है। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं इस तरह से आपको वीडियो को एक कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद एक लड़का को आपको दो लड़का तीन लड़का एक साइड में खड़ा होना है और एक लड़का को ग्रीन स्क्रीन में कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग कर लेना है। जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले हमें म्यूट कर देना है। वीडियो को मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट किया गया है, सेम इसी तरह से आपको भी वीडियो शूट कर लेना है। कुछ बातों को ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको एक बैकग्राउंड क्लिक कर लेना है। तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो हमारा शूट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड क्लिक करना है। तो लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमारा खाली है बैकग्राउंड। तो सिंपल वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आना है और इसके बाद डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। तो ये इमेज आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे। यदि आप लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड आपको सबसे पहले रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद मीडिया पे आना है और आपने जो इमेज कैप्चर किए थे सिंपल आपको इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपका इमेज कुछ इस तरह से छोटा बड़ा हो रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल आपको स्क्रीन पर दो बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल आपको इक्वल कर देना है। अब देख सकते हैं आपका इमेज जो छोटा बड़ा हो रहा था अब छोटा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद इस इमेज को आपको 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है, इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट एस लेयर पर क्लिक कर देंगे और इस पर आपको प्रेस कर रखना है। कुछ इस तरह से लास्ट पॉइंट पर आपको लेकर आ जाना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और जो लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। और लास्ट वाले वीडियो को हमारा काम हो चुका था, इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे इनेबल करेंगे और इसे सिंपल आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको ग्रीन कलर जो था आपको कपड़ा जो दिख रहा है तो हाइट होगा लेकिन परफेक्ट हाइट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ से काफ़ी ध्यान से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। सबसे पहले मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ग्रीन कलर दिख रहा था तो जो हाइट था वो हाइट रिमूव हो चुका है सिंपल। इसके बाद मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। यदि इस तरह के वीडियो आप बनाते हैं टिकटॉक पे तो आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, जो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और सिंपल देख सकते हैं इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको साउंड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।
किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं।